कोशिश थी कि हमारे नौजवान जो हैं वो भी प्रमोट हों, उन्हें जो है मौका मिले जो है आगे बढ़ने का, उन्हें उनका टैलेंट सामने आए। तो यूरोप में जो है पेशावर ज़ल्मी वालों ने टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उन्होंने जो है अपने कैंप लगाने शुरू किए टैलेंट जो है सर्च करने के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब आप जो है, मेरा काफ़ी उनसे पुराना रबता है, कि आप जो है आएँ इधर भी बार्सिलोना में भी, ताकि हमारे जो नौजवान हैं उन्हें भी जो है मोटिवेशन मिले। ठीक है जी, तो माशाल्लाह जो है आप देख रहे होंगे कि पीछे ये सारे नौजवान जो है खड़े हुए हैं इंतज़ार में हैं अपने लेजेंड्स के, इंज़मामुल हक साहब और मोहम्मद अकरम साहब जो है तशरीफ़ ला रहे हैं अभी थोड़ी देर में। हमारा मकसद जो यह है कि जो ओवरसीज़ जो है प्लेयर्स हैं उसके अंदर कोई भी है एशियन है हमारे, उनका और पाकिस्तान के प्लेयर के दरमियान एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट किया जाए जिसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। ये इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ कि इस बुनियाद को लेकर आगे चंद खिलाड़ी वो सेलेक्ट करेंगे जिनको प्रॉपर कोचिंग दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्लेयर पाकिस्तानी टीम में खेलें, इंडियन टीम में खेलें, या पेशावर ज़ालमी में खेलें, या किसी और फ्रेंचाइज से खेलें। मकसद ये है कि इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, इनको ऐसी कोचिंग इनकी की जाए जिससे कम अज़ कम जिस क्लब की तरफ से जहाँ भी ये क्रिकेट खेलें अपनी जो है वो जो प्रोफेशनल क्रिकेट है उसे इंजॉय कर सकें। हमने ये जो आज जो सारा सिस्टम है ये पेशावर ज़ुल्मी का एक टीम है जो उनका पूरे यूरोप में एक प्रोसीजर है कि वो लड़कों को यहाँ पे उनका ट्रायल लेते हैं, ट्रायल के बाद वो लड़कों को सेलेक्ट करते हैं, जो लड़के उनके मियार पे पूरे उतरेंगे वो उनको बराबर फिर पाकिस्तान में कोचिंग देंगे, और उसको हो सकता है कि उनमें से कोई लड़का जो है वो पेशावर ज़ुल्मी के लिए के ये खेले या पाकिस्तान के पीएसएल में खेले। प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त है जी, यहाँ पर सारे मेहनती हैं हम, और यहाँ पर जो है मेरा एज़ अ रोल वैसे तो जनरल सेक्रेटरी हूँ लेकिन मैं इनके साथ जो है मैनेजमेंट में सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि जो है यहाँ पर जितना भी क्राउड है या प्लेयर आए हुए हैं उनमें डिसिप्लिन भी रहे। आए हुए हैं विकेट की प्रिपरेशन के लिए, हमने आगे सुबह इधर विकेट तैयार की है और उम्मीद करते हैं कि आज जो इधर ट्रायल्स होने जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के, इंज़माम भाई और अकरम भाई इधर आए हैं, उम्मीद करते हैं कि इधर से उनको कोई ना कोई अच्छा प्लेयर मिले। हम सब बार्सिलोना क्रिकेट क्लब बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं और हम लोग आज यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल देने आए मंजूई पे, जो कि इंज़मामुल हक लेंगे। बड़ा अच्छा माहौल है, काफ़ी देर से आए हैं तो खड़े में गर्मी भी है लेकिन बड़ा अच्छा है। आउटस्टैंडिंग, ग्राउंड का व्यू बहुत ज़बरदस्त और फेडरेशन की आउटस्टैंडिंग जो एफर्ट्स है नज़र आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तमाशाई और तमाम कम्युनिटी बहुत खुश है इस इवेंट से। देख रहे हैं आप पीछे जो लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं जो ट्रायल देने के लिए जो है वो पुरजोश है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ से सिलेक्शन होगी और इस कतलूनिया का, इस बार्सिलोना का नाम रोशन करेंगे। ट्रायल की खास जो दिलचस्प बात यह है कि उसमें जहां पाकिस्तानी लड़के हिस्सा ले रहे हैं वहां पर मैंने देखा कि यहां पर बांग्लादेशी लड़के भी मौजूद हैं और उनके साथ भारतीय लोग भी मौजूद हैं, यानी एक मल्टी कल्चरल क्रिकेट टीम का जो है ये इवेंट इस वक्त बार्सिलोना में हो रहा है। जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो भी बिजनेसमैन है और उनको कोशिश यही होनी चाहिए कि इनको फाइनेंशली और मोरल भी जो है वो सपोर्ट हमें करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन जो है ये अच्छी यही प्रमोट कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि ये हम यहाँ पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं हम इन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, एक सेहतमंदाना इनको ग्राउंड देंगे तो ये हमारे मुल्क का जो साफ इमेज है वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। और उसमें मैं ट्रायल दिया है तो थोड़ा ऑब्वियसली बंदा एक लेजेंड सामने आपका ट्रायल ले रहा हो तो नर्वस होता है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बार्सिलोना में क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, हालांकि ये जो बार्सिलोना शहर है गढ़ है फुटबॉल का, लेकिन हमारी कम्युनिटी में जो है क्रिकेट का बहुत शौक पाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में बंदे आए हुए हैं सिर्फ ट्रायल्स देखने के लिए,
तो बहुत ही ज़बरदस्त फिलहाल जा रहे हैं ट्रायल्स। यहाँ पे भी मुझे पता है कि आप लोग दिन भर काम करते होगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, लाइफ इतनी इजी नहीं है, आपके पास प्रैक्टिस की फैसिलिटीज भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की हमें पाकिस्तान या इंग्लैंड में मिलती है, तो इसके बावजूद आप इतनी मेहनत इतना कुछ कर रहे हो और बहुत सारा टैलेंट भी नज़र आया, तो आप सब के लिए तालियां। सबसे पहले तो यहाँ के ना बड़ी खुशी हुई, बल्कि यहाँ के नहीं कि मैं जहाँ भी ट्रायल लेने जाता हूँ और मैं बच्चों को देखता हूँ खेलता हुआ तो मेरे में अलहदा से एनर्जी आ जाती है खेलता हुआ, और स्पेशली अगर किसी यंग को खेलता हुआ देखूँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बूढ़ों को देख के नहीं आती। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि जिस तरह वेटरन का बहुत ज़्यादा जोर है, बच्चे बहुत कमज़ोर नज़र आए, मुझे वेटरन बड़े मजबूत नज़र आए। तो लेकिन ये है कि जहाँ अभी हम ट्रायल्स लेके जहाँ से भी आ रहे थे, ठीक है जी, चार पांच जगहों से ट्रायल लेके आ रहे थे, यहाँ लड़के सारों से बेहतर थे कि उनमें टैलेंट मुझे ज़्यादा नज़र आया, यहाँ खेलने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं ना, मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी ऐसे कंट्री में आके इतनी एफर्ट लगाना, इतना अपना टाइम निकालना, अपने पैसे लगाना, ये बड़ी बात है कि जिस तरह पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हर फैसिलिटीज़ मौजूद है कि सिर्फ आपने आके खेलना है, तो यहाँ सारी चीज़ें आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट लगानी पड़ती है जब कोई याली शक्ल निकलती है, तो उनके लिए स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ से। मैं हाफिज़ जी को देख रहा था जिस समय हमें ये लेने आए थे, इनका ये जो सा अब निकर बन गई ना, ये ट्रोज़र था, दो दिन में ये निकर में तब्दील हो गई है, इनका फिर के ना इधर से उधर, तो यानी चीज तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और लड़कों से मैं जो कहूँगा कि जी लड़के आप सारे बहुत टैलेंटेड हैं, ये नहीं है कि जी मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फैसिलिटीज़ में मैं भी खेलता ना तो मेरे ख्याल में मैं भी इतना अच्छा नहीं खेल सकता था जिस तरह आप खेल रहे हैं, जिस तरह आप एफर्ट लगा रहे हैं इस चीज़ में।